जय हिंद। आज हम लोग फिर से आपके सामने हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। इसमें जो है आपके प्रश्न होंगे, प्रीवियस ईयर में जीके के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं आज हम लोग वन लीनियर क्वेश्चन को देखेंगे। तो आप सभी को मैं बता दूं कि वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर देंगे और जितने भी नए मित्र चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे जिससे कि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों ध्यान रखेंगे, आपको जो है लाइव क्लासेज नहीं चल पाने की वजह से ये रिकॉर्डेड वीडियो प्रदान की जा रही है, तो आप लोग इसको देखें और इसका लाभ उठाएं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं कि स्वेज नहर जो है किस से किसको जोड़ता है। तो ध्यान रखेंगे, स्वेज नहर दोस्तों आपको भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ता है। ठीक है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है स्वेज नहर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका पूछा गया है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो भगवान बुद्ध के द्वारा पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया गया था और सर्वाधिक उपदेश जो है सर्वस्ती में दिया गया था। और भगवान बुद्ध जो है किस भाषा का प्रयोग किए थे यानी कि अपने उपदेशों में देने के लिए, तो पाली भाषा। ठीक है, पाली भाषा का प्रयोग महात्मा बुद्ध के द्वारा किया गया था और सारनाथ में पहला उपदेश और सर्वस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है कि अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 370 का संबंध 370 जो कि जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल कानून देता था, 370 और 37 का है। ठीक है, 38 से ये दोनों कानून जम्मू कश्मीर से संबंधित थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर जो है भारत का संघ शासित राज्य बन चुका है और इससे जो है इसको समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि रजमनामा भारत महाभारत का फारसी अनुवाद था। बिल्कुल सही है कि आपसे भी प्रश्न पूछा गया है कि महाभारत का फारसी अनुवाद कौन सा है। तो रजमनामा महाभारत का फारसी अनुवाद जो है किस शीर्षक से किया गया था, रजमनामा, और इसका मूल नाम जो है जय संहिता, इसका मतलब होता है युद्धों का संग्रह। ठीक है, अगला प्रश्न है युद्धों का किताब। अगला क्वेश्चन है कि मुगल सम्राट औरंगजेब का राज्याभिषेक कितने बार हुआ था। तो मुगल सम्राट औरंगजेब ऐसा शासक था जो अपना दो बार राज्याभिषेक करवाया था। ठीक है, और अंतिम मुगल सम्राट देखे तो औरंगजेब ही होगा और इसके बाद जो जितने भी मुगल सम्राट आते हैं उसे उत्तरकालीन मुगल सम्राट बोला जाता है। अगला प्रश्न है कि अंग्रेज़ों को सुनहरा फरमान 1717 में प्रदान किया गया था। बिल्कुल सही है कि अंग्रेज़ों को सुनहरा फरमान 1717 में जो है फर्रुखसियर के द्वारा, किसके द्वारा, फर्रुखसियर के द्वारा जो है ये प्रदान किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया। तो पुर्तगालियों के द्वारा गोवा पर 1510 में कब अधिकार किया गया, 1510 में। सबसे पहले 1498 में आने वाला पहला पुर्तगाली वास्को ड गामा था, फिर इसने दोबारा कब 1502 में आया था, और 1510 में इसने पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया और सन 1961 में पुर्तगालियों जो है इसे खाली कर यहाँ से चले गए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि रेशम का उत्पादन रेशम के कीड़े से किया जाता है। बिल्कुल सही कि रेशम का उत्पादन किससे होता है, तो रेशम के कीड़े से रेशम का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और इस कीड़े को जो है क्या कहते हैं, लार्वा कहते हैं, रेशम के कीड़े को लार्वा कहा जाता है। और रेशम का जो है व्यापारिक उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, तो सेरिकल्चर, रेशम के अध्ययन को जो है सेरिकल्चर कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला है कि www, http, ईमेल आदि शब्द किससे संबंधित है। तो www.http आपके ये सब इंटरनेट की कार्य प्रणाली से संबंधित, किससे, इंटरनेट की कार्य प्रणाली। अगला प्रश्न है कि जीरो रक्त वर्ग के व्यक्ति को क्या कहा जाता है, तो सर्वदाता। ठीक है, जीरो जिसका ब्लड ग्रुप है उसे दाता कहा जाता है और जिसका ब्लड बी है उसे सर्व, जिसका ए बी है उसे सर्वग्राही, ओ को सर्वदाता यानी कि ओ सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है और ए बी सभी से ले सकता है। ओ में जो है ए और बी एंटीबॉडी पाया जाता है और कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि तने की कटाई, ठीक है, कौन सा फसल है जिसका, जिसको पुनः उगाने के लिए तने की कटाई की जाती है। तो आपका फसल होगा गन्ना। ठीक है, गन्ने को जो है फिर से काट कर उसे तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है कि एड्स का पूर्ण रूपेण क्या होता है यानी एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, एड्स का जो है फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। पहला एड्स का जो है मरीज भारत में कोलकाता में मिला था, इसको भी ध्यान रखेंगे। और सबसे पहले साउथ अफ्रीका में एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम HIV वायरस के कारण जो है एड्स होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला है, दूध फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है।
तो दूध के फटने पर एसिड के जमाव के कारण जो है शरीर में अधिक काम करने के बाद थकान महसूस होने लगती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि डेंगू बुखार मलेरिया फाइलोरोसिस ये सभी रोग जो है कैसे होते हैं। तो मच्छर के काटने से आपको डेंगू बुखार जिसमें प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर और डेंगू जो है एडीज एजप्टी मच्छर, ठीक है, ये सभी बीमारियां जो है आपके मच्छर से होने वाली बीमारी है। पालक के पत्ते में जो है किसका प्रबल स्रोत है, तो पालक का पत्ता जो है आपका आयरन किसके लिए, तो आयरन का प्रबल स्रोत पालक का पत्ता है कि पालक में सबसे अधिक मात्रा में आपको आयरन मिलता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि दंत क्षय का कारण बैक्टीरिया जनित संक्रमण। बिल्कुल सही, बैक्टीरिया जनित संक्रमण के कारण दंत क्षय होता है या फ्लोराइड की अधिकता के कारण भी आपके दंत क्षय यानी कि दांत झड़ने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन का प्रयोग किसे, तो टिटनस को रोकने के लिए एंटीटॉक्सिन जो है आपका इंजेक्शन दिया जाता है। एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन से जो है आपके टिटनस की रोकथाम के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न स्त्री थे यानी फिजिशियन, ठीक है, तो भौतिक शास्त्री फिजिक्स से संबंधित साइंटिस्ट थे अल्बर्ट आइंस्टीन और इन्हीं के द्वारा जो है E=mc² एक फॉर्मूला है इन्हीं के द्वारा दिया गया था, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा सन 1876 में किया गया था। ठीक है, टेलीफोन ग्राहम बेल 1876। अगला है कि भाप के इंजन का आविष्कार, तो भाप के इंजन का आविष्कार जो है आपके जेम्स वाट के द्वारा किया गया था, किसके द्वारा, जेम्स वाट। अगला प्रश्न है कि PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है, तो PSLV का फुल फॉर्म जो है आपका पोलर सेटेलाइट लंच व्हीकल, क्या होता है, पोलर सेटेलाइट लंच व्हीकल PSLV का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, जब किसी माध्यम में ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ध्यान रखेंगे प्रकाश के वेग पर जो है ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसका सही आंसर होगा ये अपरिवर्तित रहता है। जब किसी माध्यम में ताप बढ़ता है या घटता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है। अगला प्रश्न है कि मुख्यतः कौन सा गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए आपका जो है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, आपका CH4, CFC ये सभी गैसें जो है आपको ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं। अगला प्रश्न है कि सौर लालटेन, ठीक है, ऐसा आपसे पूछा गया कि अपरंपरागत ऊर्जा का स्रोत, तो सौर लालटेन यानी कि सौर ऊर्जा जो है अपरंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, विंड एनर्जी यानी कि पवन ऊर्जा भी आपका अपरंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। आपका जो है जल ऊर्जा भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर वो भी आपका अपरंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। अपरंपरागत ऊर्जा का स्रोत वैसे स्रोत होते हैं जो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा मापन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो विद्युत धारा को किस प्रकार से मापते हैं, किस यंत्र से मापते हैं, तो ओममीटर से, ध्यान रखेंगे विद्युत धारा को ओममीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न है कि डायनेमो वह यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र जो है आपका डायनेमो होगा, कौन है, डायनेमो है। और वही आपका बात करें तो इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है, और ये डायनेमो आपका यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, दोनों एक दूसरे के विपरीत काम करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गैल्वेनीकृत चादर, बिल्कुल सही है कि जो लौह की चादर होती है उसको जो है यानी कि जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जो है जस्ते की परत चढ़ाई जाती है जिसे गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, ठीक, और जंग लगने के बाद जो है लोहे का भार बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, तो पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ आपका हीरा होगा, कौन सा है, हीरा है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे, हीरा जो है आपका कार्बन का अपरूप है और सबसे कठोर पदार्थ है। ठीक है, चलिए, और एक होता है काला हीरा जिसका नाम जो है काले हीरो को जो है बोर्ट कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे, काले हीरो को जो है बोर्ट कहा जाता है, इसका प्रयोग जो है शीशा काटने में किया जाता है, काला हीरा का प्रयोग शीशा काटने में होता है। ठीक है, वाशिंग सोडा का अन्य नाम क्या है, तो वाशिंग सोडा का अन्य नाम जो है आपका सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट आपका वाशिंग सोडा का अन्य नाम है, कैल्शियम नहीं होगा, सोडियम कार्बोनेट, और वही सोडियम बाइकार्बोनेट होगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट आपका खाने वाला सोडा का नाम है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न जो है, चलिए मित्रों आपको फिर से एक बार मैं बता दूँ
कि अभी भी जो भी मित्र चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, जिससे कि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप लोग वीडियो को दोस्तों में ज़रूर शेयर करेंगे। चलिए क्वेश्चन अगला है, विश्व में सर्वाधिक खाद उत्पादक फसल कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक खाद उत्पादक फसल जो आपका होगा वो है गेहूँ, और भारत में बात की जाए तो भारत में जो है चावल। सबसे पहले जो है सिंधु घाटी सभ्यता से आपको गेहूं और जौ के ही उत्पादन के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है, यानी खाद्यान्न की बात करें तो। अगला प्रश्न है कि भारत प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन कहां हुआ था? तो प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन एथेंस यूनान में 1896 में हुआ था, इसको भी ध्यान रखेंगे, 1896 में एथेंस यूनान, ठीक है, आधुनिक प्राचीन दोनों आपका यूनान में ही हुआ था। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे ऊँची इमारत दुबई में है, ठीक है, ठीक है, दुबई का जो है बुर्ज खलीफा है ना, अब जो है नया टावर बन रहा है जिहाद टावर। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ है? तो वाशिंगटन में है, विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय वाशिंगटन में है, ये आपकी अमेरिका की राजधानी भी है, विश्व बैंक का भी मुख्यालय है वाशिंगटन DC, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे वाशिंगटन आपका पोटोमैक नदी के तट पर अवस्थित है। सबसे बड़ा शहर जो कि आपका क्षेत्रफल के दृष्टि से आपका लंदन हो गया, जनसंख्या में आपका टोक्यो है जो कि आराकावा नदी के किनारे या सुमिदा नदी के तट पर अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबा नदी पुल कहाँ है? तो ये आपका अभी ये समाप्त हो चुका है, दूसरा सबसे बड़ा लंबा नदी पुल पूछे तो आपका होगा बिहार में, अब नया जो बन चुका है वो होगा आसाम में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तोराह जो है किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो तोराह जो है यहूदियों का पवित्र ग्रंथ है, जैसे हिंदू धर्म का गीता, मुसलमान का कुरान, और उसके बाद जो है सिख का गुरु ग्रंथ साहिब, उसी प्रकार तोराह यहूदियों का प्रमुख ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि मैरीकॉम का संबंध किस खेल से है? तो मैरीकॉम का संबंध जो है बॉक्सिंग, ठीक है, हाल ही ये बहुत ही चर्चा में रहती है, बहुत ही मेडल इनके द्वारा जीता जा चुका है, ठीक है। अगला प्रश्न है जो है ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? तो ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है आपका कानपुर में है और यह क्रिकेट खेल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये सभी आपके प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर से संबंधित प्रश्न कराए जा रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर देखें, आपके परीक्षा में ज़्यादा उम्मीदें हैं कि इस तरह की प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, जीव मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है? तो आपके जीव मिल्खा सिंह जो है गोल्फ से, किससे? गोल्फ से, वही मिल्खा सिंह रहे तो रनिंग धावक हैं, ठीक है। चलिए 2006 ये आपका जो है करंट अफेयर्स उस समय के हैं, 2014। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में जो है रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को पराजित हुई थी, ठीक है। तो रानी लक्ष्मीबाई झांसी जो है आपका 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का जो है नेतृत्व कर रही थी, और उनके सामने जो है अंग्रेज अधिकारी ह्यूरोज, कौन था? ह्यूरोज, ठीक है, और वहाँ जो है 1857 की क्रांति में महारानी लक्ष्मीबाई जो है वीरगति की प्राप्त हुई थी। अंग्रेजों ने इन्हें कहा था कि वो 1857 की क्रांति में अकेली मर्द थी। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी द्वारा यंग इंडिया समाचार पत्र शुरू किया गया था, बिल्कुल सही है कि यंग इंडिया पत्रिका का शुरुआत जो है महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, और ध्यान रखेंगे इसके प्रथम संपादक जो है मानसुख लाल नजर थे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी, मुंबई में हुआ था, इसमें कुल 72 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। उस समय जो है भारत के गवर्नर जनरल या वाइस राय जो है आपके लॉर्ड डफरिन थे, इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है? तो श्रीलंका की मुद्रा चलिए देखते हैं अगला प्रश्न जो है श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है? तो श्रीलंका की दोस्तों मुद्रा का नाम जो है रुपी है, रुपया। भारत का मुद्रा का नाम रुपया है और श्रीलंका का वही रुपी, ठीक है,
और इसकी राजधानी कोलंबो, एक राजधानी श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टम है। इसके अभी राष्ट्रपति जो है गोटाबाय राजपक्षे, प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे दोनों भाई हैं। ठीक है, चलिए श्रीलंका की पहली राजधानी, प्राचीन राजधानी जो है कहाँ थी, अनुराधापुर, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और श्रीलंका को जो है कुछ हिस्सों को किस दक्षिण भारतीय शासक ने जीता था, राजराज प्रथम। और श्रीलंका को पूर्ण रूप से भारत में किसने मिला लिया, तो राजेंद्र प्रथम यानी राजेंद्र चोल के द्वारा श्रीलंका को भारत में पूर्ण रूप से मिला लिया गया था। अगला प्रश्न है कि म्यांमार की सीमा जो है बांग्लादेश से लगती है, बिल्कुल सही है। और बांग्लादेश से लगने बांग्लादेश से ही लगती है 4096 किलोमीटर, और म्यांमार की भी सीमा बांग्लादेश से ही लगती है। अगला प्रश्न है कौन सा देश एशिया में होते हुए भी तुर्की का सदस्य है, यूरोपीय संघ का सदस्य है, तो वो आपका देश होगा तुर्की। तुर्की जो हालांकि दोनों देशों में है, एशिया यूरोप का जंक्शन भी इसे कहा जाता है तुर्की को, और यूरोप का मरीज भी तुर्की को कहा जाता है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, यूरोप का मरीज तुर्की और एशिया में होते हुए भी यूरोपीय संघ का देश है कौन, तुर्की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है एशिया में कुल देशों की संख्या, तो एशिया में कुल देशों की संख्या 47। सबसे बड़ा देश एशिया का चीन होगा, सबसे छोटा देश आपका मालदीव होगा। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे, एशिया में ही आपका माउंट एवरेस्ट पर्वत है जो कि नेपाल में है। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है कि भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेवार है, तो उसके लिए जिम्मेवार जो आपका होगा यूनियन कार्बाइड कंपनी, जो है 3 से 4 दिसंबर 1984 में ये घटना घटी थी, और उस समय बहुत लोगों की जाने भी गई थी। उस कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड, गैस का नाम था MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड, घटना घटी 1984 में। अगला प्रश्न है कि भारत के दिल्ली शहर में दूसरे राज्यों से सर्वाधिक प्रवासी आती हैं, बिल्कुल सही कि सबसे अधिक प्रवासी जो है भारत के किस शहर में आते हैं, तो दिल्ली में। देखते होंगे बहुत सारे लोग गांव क्षेत्र देहात क्षेत्र से जो है काम तलाश में जाते हैं, बहुत सारे जो है। अगला प्रश्न है सीधे भारतीय चलचित्र में जो एक अभिनेता थे देवानंद, उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, आप लोग सुने होंगे देवानंद, तो इनकी मृत्यु जो है आपकी लंदन में हो गई थी। तो ये भी प्रश्न आपसे अभी नहीं पूछा सकता है, उस समय का ये आपका करंट अफेयर्स का प्रश्न है। ये प्रश्न आपका बहुत चर्चित प्रश्न है, कोलावेरी डी गीत जो है यूट्यूब पर लोकप्रिय हुआ था, तो वो तमिल फिल्म का गीत था, तमिल भाषा की गीत थी, ये भी ध्यान रखेंगे, यानी ना कि आप लोग बॉलीवुड हिंदी फिल्म मार देंगे। ठीक है, तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा सकता है, उस समय जो है बहुत चर्चित यह गीत था, और यह तमिल गीत था न कि बॉलीवुड का था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक टिकट जो होता है, आप लोग टिकट कराए होंगे ट्रेन का टिकट, तो उसमें PNR नंबर मिलता है। ठीक है, PNR नंबर में P का मतलब पूछा गया है, तो PNR नंबर में P का मतलब होता है पैसेंजर, यानी इसका फुल फॉर्म होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। ठीक है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड PNR का फुल फॉर्म होता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, यदि आप रेलवे की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। प्राइज एंड प्रोसीडिस पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्राइज एंड प्रोसीडिस आपके ऑस्टिन के द्वारा लिखा गया, ये आपके SSC में बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना भी है। अगला प्रश्न है पुस्तक द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पुस्तक है, द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, इसके लेखक कौन है, तो आपके इसके लेखक जो होंगे चेतन भगत। कौन है, द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक जो होंगे चेतन भगत है। अगला प्रश्न है क्वीन ऑफ टेक को किसके द्वारा लिखा गया है, तो ओपेरा विनफ्रे के द्वारा लिखा है, क्वीन ऑफ टॉक ओपेरा विनफ्रे। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण बैंक के संस्थापक किसे माना जाता है, तो मोहम्मद यूनुस। ठीक है, मोहम्मद यूनुस जो है ये एक बांग्लादेश के अर्थशास्त्री है। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा जो है आपको यानी कि क्षेत्रीय बैंक ग्रामीण बैंक की संस्थापक इन्हें माना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर कर देंगे, और जो भी मित्र चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ये सेशन डेली आपका लाया जाएगा, तो आप लोग ज़रूर यानी कि इस वीडियो को देखें, और ये वीडियो आपके परीक्षाओं के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध होने वाला है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।